एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक लड़का रहता था और वह बहुत ही ज़्यादा सुस्त और काहिल था। वह अपनी सुस्ती और काहली में इतना मशहूर था कि जहाँ बैठा घंटों बैठा ही रहता और जी भर के वक्त ज़ाया करता। और उसी गांव में एक मास्टर थे जो कि वहाँ के बच्चों को पढ़ाते थे। वो अक्सर इस बच्चे को नोट करते और परेशान होकर सोचते कि ऐसा क्या करूँ कि इस बच्चे को सबक हासिल हो और ये नसीहत पकड़े और अपनी सुस्ती काहली छोड़कर बाकी आम बच्चों की तरह चुस्त हो जाए, रोज़मर्रा के कामों में दिलचस्पी ले। एक दिन वो उसके घर आए, उन्होंने दरवाज़े पे दस्तक दी। उस लड़के ने दरवाज़ा खोला, उसने सलाम किया और कहा, मास्टर जी आप? मास्टर ने कहा, मैं किसी काम से ज़रा शहर जा रहा हूँ और कल लौटूँगा, लेकिन मेरा एक छोटा सा काम कर दो। उसने बोला, जी जी आप हुक्म फरमाइए। मास्टर ने अपने बड़े से थैले से एक काला पत्थर निकाला, मैजिक स्टोन, और उसको कहा, ये काला पत्थर है, इसको मैजिक स्टोन कहते हैं, ये तुम अपने पास रखो और कल शाम तक इसको संभाल के रखो, मैं कल शाम लौटूंगा तो फिर तुमसे ले लूँगा। वो उस पत्थर को बहुत हैरानी से देख रहा था और समझना चाह रहा था कि काला पत्थर, मैजिक पत्थर, ये क्या है। उन्होंने कहा, देखो ये एक मैजिक स्टोन है, तुम किसी भी लोहे की अशिया पे इसको रगड़ोगे ना तो वो सोने की बन जाएगी, और अगर तुम चाहो तो इसको इस्तेमाल करके अपने लिए सोना बना सकते हो, मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है। तुम किसी भी लोहे की अशिया पे इसको रगड़ो तो वो सोना बनती जाएगी, और तुम्हारे पास कल तक का वक्त है, मतलब 24 घंटे। मैं कल शाम मगरिब के वक्त लौटूंगा और तुमसे ये पत्थर ले लूँगा, लेकिन हाँ, इस 24 घंटे में तुम चाहे जितना मर्जी इस्तेमाल करके अपने लिए सोना बना सकते हो। उसने कहा, ठीक है मास्टर साहब, जैसे आपका हुक्म। वो पत्थर लेता है, उन्हें अल्लाह हाफिज़ कहता है और अपने घर अंदर आ जाता है, और वह बहुत ज़्यादा खुश होता है और बस यही सोचता है कि अब मैं अमीर हो जाऊँगा और अपने लिए बहुत सारा सोना बनाऊँगा। फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है कि यार, मेरे घर में तो कोई लोहे की अशिया ही नहीं है कि जिस पे मैं इस पत्थर को रगड़ूँ और वो सोना बन जाए। फिर वो सोचता है कि यार, सुबह शहर जाऊँगा और अपने लिए ना कुछ कार कबाड़ वालों से ना लोहे की अशिया ख़रीदूँगा और फिर उसको सोने में तब्दील करूँगा। लेकिन अभी चूँकि मगरिब का वक्त हो रहा है, ऐसा करता हूँ, खाना खाता हूँ और थोड़ा रेस्ट करता हूँ, अगर अभी शहर निकल गया ना तो रात हो जाएगी। वो उस पत्थर को संभाल के अलमारी में रख देता है और आराम से खाना खाता है और बैठकर बस यही सोचता रहता है कि मैं कल कितना अमीर हो जाऊँगा। यूँ ही रात हो जाती है और उसकी आँख लग जाती है, वो मज़े की नींद सोता है और सारी रात यही ख्वाब देखता रहता है कि मैं कल अमीर बन जाऊँगा, बहुत सारा सोना बनाऊँगा। और सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो उसको फ़ौरन ख्याल आता है उसी मैजिक स्टोन का। वो कहता है, बस अभी थोड़ी देर में शहर जाता हूँ और कार कबाड़ वालों से ना लोहे की अशिया ख़रीद के लेके आता हूँ, लेकिन हाँ, उससे पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लूँ ताकि हिम्मत आए। वो आराम से अपना नाश्ता बनाता है, अपना नाश्ता करता है और उसके बाद थोड़ी देर बैठ जाता है। कहता है, यार मास्टर साहब तो मगरिब के वक्त आएंगे, अभी बहुत टाइम पड़ा है, थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ फिर शहर जाऊँगा। और इसी तरह सोचते सोचते रेस्ट करते दोपहर का वक्त हो जाता है और उसको वही सुस्ती और काहलियाँ घेरती है और वो लेट जाता है कि थोड़ी देर आराम कर लूँ, बस अभी जाता हूँ शहर। यूँ ही आराम करते करते उसकी आँख लग जाती है और वो सो जाता है और लंबी नींद सोता है। अचानक एकदम उसकी आँख खुलती है और वो देखता है कि शाम का वक्त हो रहा है, सूरज बस ग़रूब होने को है, मगरिब का वक्त आने वाला है। वो बहुत हड़बड़ा कर उठता है और जूता पहन कर बाहर के दरवाजे की तरफ भागता है कि जल्दी से शहर जाऊँ और बहुत सी लोहे की अशिया ख़रीद कर लाऊँ और उसको सोना बनाऊँ, वक्त बहुत कम रह गया। लेकिन वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो सामने मास्टर साहब खड़े होते हैं। वो मास्टर साहब को कहता है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दें।
मास्टर साहब उससे अपना पत्थर मांगते हैं, लेकिन वो गिड़गिड़ाने लगता है और उनके आगे हाथ जोड़ता है और उन्हें कहता है कि थोड़ा सा वक्त और दे दें, बस अभी शहर जाने ही वाला था और लोहे की अशिया ख़रीद कर लानी थी और उसको फिर सोने में तब्दील करना था, थोड़ी सी मोहलत और दे दें। लेकिन मास्टर साहब बहुत अफसोस से उसकी आंखों की तरफ देखते हैं और वो सोचते हैं कि तुम्हारी सुस्ती और काहली ने तुम्हारे 24 घंटे भी ज़ाया कर दिए और तुम लोहे की अशिया को सोने में ना बदल सके। लेकिन अब तुम्हारी मोहलत, अब तुम्हारा वक्त ख़त्म हो चुका है, तुम्हारे पास बस यही वक्त था। वो गिड़गिड़ाने लगता है और इनके कदमों में बैठ जाता है। मास्टर साहब प्लीज़ थोड़ी सी मोहलत और, थोड़ा सा वक्त और, बस अब थोड़ी ही देर में जाता हूँ और आपको ये पत्थर लौटा दूँगा। लेकिन मास्टर साहब इनकार कर देते हैं और उससे अपना पत्थर वापस ले लेते हैं और वो लड़का घुटनों के बल ज़मीन पे बैठा बस यही सोचता और रोता रह जाता है कि हाय मेरा वक्त निकल गया और मेरी इस सुस्ती और काहली ने मुझे अमीर बनने से रोक दिया। मैं अपनी तकदीर ना बदल सका, मैं कुछ तदबीर ना कर सका। काश मैं अपनी सुस्ती और काहली को अपने आड़े ना आने देता तो आज मैं कितना अमीर बन जाता। हाय मेरी किस्मत, वो बस उसी को कोसता रहता है। और मास्टर साहब अपना पत्थर लेकर निकल जाते हैं, ये तुम्हारा वक्त ख़त्म। दोस्तों, हमने इससे क्या सीखा कि हमारे पास जो वक्त है हम उसको इस्तेमाल करके अपने लिए कितना सारा सोना बना सकते हैं अगर हम अपनी सुस्ती और कहली को छोड़ दें। मैंने किसी मोटिवेशनल लेक्चर के नीचे ये स्टोरी पढ़ी थी और जब मैंने कहानी पढ़ी उसके बाद से मेरे अंदर बहुत सारी चेंजिंग आई कि ये सुस्ती और काहली बाज़ औक़ात हमारी इतनी दुश्मन बनती है कि हमारे 24 घंटों को 2 घंटों में तब्दील कर देती है। हम अपनी सुस्ती और काहली की वजह से बहुत सारा वक्त ज़ाया कर देते हैं बस यही सोच कर कि बस अभी करती हूँ, अभी उठती हूँ, और वक्त ऐसे निकल जाता है। कहते हैं कि ज़िंदगी में कोई कल नहीं होती है, ना गुजर जाने वाली कल, ना आने वाली कल, ज़िंदगी सिर्फ आज है, आज और अभी। लाइफ इज़ जस्ट अ प्रेजेंट, जो आपके पास है मौजूद मैसर उसी को इस्तेमाल करें। कभी मत सोचें कि कल शुरू करूँगा, किसी भी काम को शुरू करने का वक्त अभी इसी वक्त से बेहतर और कोई वक्त नहीं। आज का काम कल पे मत छोड़ो, डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। कोर्स की किताबों में बहुत पहले पढ़ा था लेकिन इस प्रोवर्ब की कभी समझ नहीं आई थी, मतलब इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं हुआ था। लेकिन जब से मैंने ये मोटिवेशनल लेक्चर पढ़ा और आई रियलाइज़ कि ज़िंदगी में कभी कोई कल नहीं होती है, हम सोचते हैं कल करेंगे लेकिन वो कल कभी नहीं आती है। वक्त का पहिया एक दफ़ा चल गया ना तो ये कभी उल्टा नहीं घूमता। फ़ोन हमारे हाथ में है, हमारे पास वक्त भी है और हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और बस हम ऑनलाइन जो है ना वो आइटम्स देख रहे हैं शॉपिंग के लिए, रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं और बस माइंड में यही चल रहा है कि बस अभी थोड़ी देर में उठती हूँ और अपना काम स्टार्ट करती हूँ, बस अभी थोड़ी देर में मुझे स्टडी करनी है और आज मुझे ये वाला जो लेक्चर है वो ख़त्म कर देना है, आज मुझे ये काम कर देना है। बट सुस्ती और काहली आपको कुछ भी करने नहीं देती है, ये हमारा सोने जैसा वक्त जो है ना वो खा रही है और हम इसका अंदाज़ा ही नहीं है। बस कल करूँगी इंशाल्लाह यार, कल प्रॉपर टाइम टेबल बनाऊँगी ना स्टडीज़ का, फिर पूरा फॉलोअप करूँगी उसको और कल से अपना टाइम टेबल बनाती हूँ यार, कल से ना अपनी रूटीन सेट करती हूँ, बस कल सुबह से ना शाम तक इंशाल्लाह अपनी रूटीन सेट कर लेनी है। वो कल कभी आती नहीं है और हम यही सोचते रह जाते हैं। यू कैन गेट एवरीथिंग बाय गिविंग योर टाइम, आप अपना वक्त देकर सब कुछ ले सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं, बट आप अपना सब कुछ देकर वक्त कभी नहीं खरीद सकते, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये सुस्ती और काहली हमारी इतनी बड़ी दुश्मन है कि हम बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं अपनी इस सुस्ती और काहली की वजह से। हम कब समझेंगे, हम सबको पता है यार वक्त ज़ाया करना बुरी बात है, वक्त गुजर गया तो नहीं लौटेगा, सुस्ती और काहली अच्छी चीज़ नहीं होती है, सब कुछ जानते हैं, मोटिवेशनल कोट्स भी पढ़ते हैं, अपने आप को मोटिवेट भी करते हैं, लेकिन फिर भी अमल नहीं करते। क्यों, हम क्यों अमल नहीं कर पाते? बस आज से कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, बस आपको खुद उठना है और करना है आज से, अभी से, हाँ अभी इसी वक्त से। हम एफिशिएंट होममेकर बनना चाहते हैं लेकिन हमारी सुस्ती और काहली हमें अपना जो टाइम टेबल होता है उसको फॉलोअप नहीं करने देती है।
हमने बहुत सारे लेक्चर्स केमिस्ट्री फिज़िक्स बायो इंग्लिश पढ़नी है, लेकिन हमारी वो सुस्ती और कहली ऐसा कल से पढ़ूंगी वक्त ज़ाया कर देती है। पता क्या, अगर कामयाब लोगों की ज़िंदगी का निचोड़ निकाले ना तो बस वो यही है कि वो सोचते नहीं हैं, वो करते हैं और कर गुज़रते हैं, लेकिन हम बस सोचते हैं कि कल करेंगे। बस यही डिफरेंस है और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो अपने लिए कुछ गोल सेट करो, प्लान्स बनाओ, बट इतना याद रखो, प्लान्स आर नथिंग, प्लानिंग इज़ एवरीथिंग। उन गोल्स को अचीव कैसे करना है, छोटी छोटी स्ट्रेटजीज अपनाओ और उन गोल्स को अचीव करो। पहले छोटे छोटे टास्क होंगे, फिर बड़े बड़े गोल्स, और सब ख्वाब पूरे हो सकते हैं, सब ख्वाब पूरे हो जाएंगे। बस इस सुस्ती और काहली से निकल कर करके दिखाएं दुनिया को, अपने घर वालों को, अपने आप को, आप कर सकते हैं। बहुत समझदार हैं आप, समझ तो गए होंगे। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।